दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कितनी भी कोशिश कर लें आपके घर लक्ष्मी ही नहीं आती, या फिर आती भी हैं तो तुरंत आपके पैसे खर्च हो जाते हैं किसी ज़रूरी काम में या फिर किसी गैर ज़रूरी काम में, लेकिन खर्च हो जाते हैं। अगर बरकत नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आती आपके घर में, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप चाहें कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी उपाय लगा लें, लेकिन अगर आपने इन 12 दोषों पर ध्यान नहीं दिया, 12 गलतियां अगर आप करते रहे, तो लक्ष्मी कभी आपके घर नहीं आने वाली। चाहे आप कोई भी पूजा पाठ कर लें, अगर ये 12 दोष आप कर रहे हैं तो लक्ष्मी कभी आपके घर टिक ही नहीं सकती। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में लक्ष्मी का वास होता है तो घर में हर तरफ सुख और समृद्धि का वातावरण हो जाता है। इंसान के अंदर भी एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और ठीक इसके उल्टे, अगर घर में दरिद्रता हो, कंगाली हो, तो ये अपने साथ कई तरह के रोग, दुख सब लेकर आती है। आपकी एक समस्या खत्म होगी नहीं कि दूसरी समस्या आपको परेशान करने लगेगी। तुलसीदास ने भी स्वयं रामायण में लिखा है कि दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये 12 दोष हैं क्या जो लक्ष्मी के आगमन को रोकते हैं। सबसे पहली चीज, जो बहुत ही आम बात है, मैंने, आपने, सबने ये देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं। आपको लगेगा कि सुबह उठने का भला लक्ष्मी के आने से क्या लेना देना है, लेकिन दोस्तों विश्वास कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप सुबह 4 बजे ही उठकर खड़े हो जाइए, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन जब भी सूर्योदय हो रहा है आपको उसके पहले उठकर सूर्य देव को नमस्कार करना चाहिए। अगर हम आपको गलत लग रहे हैं तो आप स्वयं ही, जो लोग आपको अपने जीवन में कामयाब लगते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो अपनी लाइफ में बहुत कामयाबी हासिल की है, आप एक बार उनकी दिनचर्या को देखिए, आप उनका रूटीन चेक करिए, वो सभी ज़रूर सूर्योदय के पहले जग रहे होंगे। ये लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का एक अचूक उपाय है। उगते हुए सूर्य का स्वागत जो भी हमेशा करता है वो लक्ष्मी से हीन कभी नहीं रहता। अगली चीज़ है कि दोस्तों, जिस स्थान पर आप अपने घर में लक्ष्मी रखते हैं, ज़्यादातर लोग अपने पर्स में रखते हैं, कुछ लोग अलमारी में रखते हैं, या जहाँ भी आप रखते हैं वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप पर्स में पैसे रखते हैं तो पर्स कटा फटा, पुराना या बिल्कुल बर्बाद अवस्था में नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ साफ सफाई होती है। नारद पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लक्ष्मी के आगमन के लिए आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्स में आप पैसे रख भी रहे हैं तो उसे सजाकर अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से रखिए। ऐसा नहीं हो कि पर्स उठाया और जैसे तैसे लक्ष्मी को उसमें डाल दिया। अगली चीज दोस्तों, मंगलवार के दिन भूल कर भी आपको किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। वैसे तो भगवान ना करे आपको कर्ज लेने की नौबत आए, लेकिन अगर कभी लेना भी पड़ जाए तो कोशिश करें कि मंगलवार के दिन आप कभी किसी से कर्ज ना लें। ऐसा कहा गया है कि मंगलवार को कर्ज लेने से ऋण, रोग और शत्रु तीनों आपके घर में चले आते हैं। मंगलवार को अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया तो चुकाने में बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो भूल कर भी मंगलवार को ये काम ना करें। मंगलवार का दिन ऐसा है दोस्तों कि इस दिन आप स्त्री हो या पुरुष, अगर पुरुष हैं तो इस दिन दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, और यही नियम महिलाओं पर भी लागू होता है। बाल ना कटाएं, ना धोएं, इस दिन ये सारे काम करने से जरूर बचें, अन्यथा आपको मंगल दोष का सामना करना पड़ सकता है। अगली चीज है दोस्तों कि घर में आप कभी भी कबाड़ नहीं जमा होने दें। हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं या कभी कहीं से भी कोई सामान खरीद लेते हैं, और अगर हमें उसके साथ कोई डब्बा मिले जो हमें पसंद आ गया हो तो हम उसे इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। खाली डिब्बों में राहु का वास हो जाता है। घर में टूटे बर्तन हों जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटाइए। इनका मुंह बिल्कुल त्याग दीजिए। जिन बर्तनों में छेद हो चुका है उसे बिल्कुल हटा दीजिए, इससे दरिद्रता आती है। घर में चप्पलें वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, छोटे बच्चों की चप्पलें जो छोटी हो चुकी हैं मगर मोहवश हम उन्हें हटाते नहीं हैं, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। घर में आप जितना ये चीज़ें जमा करेंगे आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
अगली चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान उतना ही रखें जितना आप इस्तेमाल कर सकें, और बिगड़ने पर समय समय पर आप इसे रिपेयर करा सकें। ज़्यादा सामान इकट्ठा करने से आपका शनि खराब हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा रखा भी है तो इसे खराब ना होने दें, खराब होते ही रिपेयर कराएं, इससे शनि प्रसन्न होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आप दिन में ना खरीदें, रात में खरीदें, और कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कृष्ण पक्ष में खरीदें, इससे भी शनि प्रसन्न होते हैं और आपके द्वारा खरीदा गया सामान लंबे समय तक आपका साथ देता है। अगली चीज़ है दोस्तों कि रसोई घर में कभी रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। कभी तबीयत खराब है या कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने ऐसा नियम बना के रखा है कि रोज़ आपको रसोई में जूठे बर्तन छोड़ने हैं तो इससे लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी का भ्रमण रात के समय ही होता है। साफ़ सुथरे किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए अपने किचन में साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आप अपने घर में झाड़ू इत्यादि लगाते हैं तो कोशिश करें कि जो कूड़ा निकलता है उसे तुरंत ही अपने घर से हटा दें, उसे अपने घर में ज़्यादा समय तक ना रखें, ये नकारात्मकता को जन्म देता है। इन चीज़ों का आपकी आय पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, एक और ज़रूरी बात, आप अपने रोज़ के खाने का कुछ हिस्सा या तो गाय या कुत्ते या कौओं को अवश्य खिलाएं। जो सुबह की हम पहली रोटी बनाते हैं वो गाय के हिस्से की होती है, और रात की जो हमारी आखिरी रोटी होती है वो कुत्ते के हिस्से की होती है। रही बात कौए, तो भोजन का कुछ हिस्सा आप अपनी छत पर रख सकते हैं या फिर कुछ दाने वगैरह रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी कच्चा अनाज भी नियम से अपने छत पर रख सकते हैं, फिर चाहे वो कौवा खाए या कोई अन्य पक्षी खाए। इससे होता क्या है दोस्तों कि कौए में आपके पितरों का भी निवास होता है, तो किसी जीव का पेट भरने से परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं और फिर परमात्मा भी आपका भला करने के लिए तत्पर रहेंगे। ये एक काफ़ी पुण्य का काम है। गौ माता में भी सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, नौ ग्रहों का भी वास होता है, तो गौ माता को रोटी खिलाना भी बहुत पुण्य का काम होता है। अगली चीज़ है अमावस्या तिथि। इस दिन पितरों को भी प्रसन्न किया जाता है और माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न किया जा सकता है। अमावस्या तिथि को आपको पीपल के वृक्ष पर दूध और जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे अगर कोई पितृदोष आप पर लगा हुआ है तो वो भी समाप्त होगा और माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। ये काफ़ी आसान उपाय है जो घर का कोई भी सदस्य स्त्री या पुरुष आसानी से कर सकता है। अमावस्या से अमावस्या इस उपाय को आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार पितृदोष के कारण भी घर की आमदनी बंध जाती है, लक्ष्मी घर पर नहीं आती हैं, तो इस उपाय से इस दोष का निवारण हो सकता है। और दोस्तों एक और चीज़, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर की दहलीज को धोकर उसके ऊपर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना भी बहुत शुभ होता है, इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। अगली चीज़ है कि शाम के समय घर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सभी देवी देवताओं के लिए हर शाम को आप दिया ज़रूर जलाएं। माँ लक्ष्मी या श्री विष्णु जी, अगर आपको इन दोनों में से किसी के भी मंत्र आते हैं तो आप उसे भी ज़रूर जपें, अपने घर को सुगंधित बनाने का प्रयास करें। और अगली चीज़, अगर आपके घर पर कोई याचक आ रहा है तो उसे कभी खाली हाथ ना जाने दें। जो भी आपसे बन पड़े उसे ज़रूर दें। अगर खाना बचा है तो थोड़ा खाना दे दें, नहीं तो थोड़े पैसे दे दें। जो भी हो सके घर पर मांगने आए कभी किसी भिक्षुक को खाली हाथ ना जाने दें। और दोस्तों आखिरी चीज़ है कि आपके घर में स्त्रियों को सम्मान दिया जाना चाहिए। दोस्तों कई बार हम देखते हैं कि लोग स्त्रियों को सम्मान देने में कमी करते हैं, ये बहुत गलत बात है, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। माता स्वयं एक स्त्री हैं और जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर वो कभी नहीं आती। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थीं जिसका ध्यान हमें रखना होगा अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए